अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ हम बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको पता, 3-4 दिन हो गए बारिशों का मौसम है और बारिशें लगातार हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो आज बारिश नहीं आई, आज काफ़ी मौसम साफ रहा लेकिन फिर ख़राब हो गया। अच्छा बिस्मिल्लाह। और जनाब ये कह रहे हैं कि आप व्लॉग तो मुझे भी साथ पकड़ो। एक हाथ से मोबाइल पकड़ लिया तो एक हाथ से इसे पकड़ लिया है, तो ये जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ही आ जाता है। और मैं कपड़े उतारने आई थी और ये जनाब कहने लगा कि मैंने पंछी देखने कौवे बहुत देखे, क्योंकि टाइम भी हो गया कौवे देखने का। तो ये कौवे देख रहे काफ़ी, आप देख रहे होंगे पीछे काफ़ी काफ़ी जा रहे हैं और काफ़ी मारूंगी मैं फिर, तो इसके उल्टे काम है तो। क्योंकि ये काफ़ी शैतान हो गया और मुझे कुछ भी नहीं करने देता। अगर मैं मोबाइल पकड़ लूँ तो ये कहता है बस मुझे उठा लो, आप मोबाइल चलाने लगे। और ये देखिए जब इसे चोट लगनी है तो इसने मेरी जान छोड़ ली है। ये देखिए। और फ्रेंड्स मौसम काफ़ी आज ठीक रहा है लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम ख़राब हो गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे वो पीछे देखें बादल, बादल ही बादल आए हुए हैं, बादल ही बादल छाए हुए हैं। मौसम बहुत प्यारा है। और वो देखें बिल्ली, वो देखें सफ़ेद कलर की बिल्ली आपको नज़र आ रही होगी, ज़ूम कर और ये देखिए ये क्या किया आपने, ये पाँव पे लग जाना है आपके। तो देखिए काफ़ी लोग गुड्डी उड़ा रहे हैं, गुड्डी उड़ा रहे हैं क्योंकि मौसम भी साफ हो गया है। तो काफ़ी लोग, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो सारे लोग बच्चे कमरे में रहते हैं, तो जब मौसम साफ हो जाता है तो सारे बाहर आ जाते हैं, बच्चे छत पे चले जाते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं। तो ये हमारे पीछे दे रहे और उधर भी गुड्डी डाल रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ वो उधर भी गुड्डी डाल रहे हैं। और इस जनाब के काम देखें ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए मैं जब भी ऊपर आ जाऊँ इस किस्तानी खत्म होती है। और फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कढ़ी चावल बनाने का। लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे बना रही हूँ कढ़ी चावल, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सर्दियों में वैसे भी कढ़ी अच्छी लगती है, गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे कढ़ी कढ़ी कर रहे थे। जैसे आपको तो पता है कि मैं लस्सी घर में अपनी हम लस्सी बनाते हैं, तो अपनी लस्सी की कढ़ी बनाने की और बनाना उसका जायका उसकी तो क्या ही बात है, क्योंकि लस्सी की कढ़ी बनाना बहुत ही मज़े की बनती है और अच्छी भी बनती है और अच्छी भी लगती है। अगर हम दही की कढ़ी बनाएं तो इतना टेस्ट इतना जायका नहीं आता कढ़ी लस्सी का आता है। तो लेकिन ये नहीं है कि दही अच्छी भी लगती है, लेकिन दही की भी अच्छी बन जाती है, लेकिन लस्सी भी ज़्यादा अच्छी बनती है और अच्छी भी लगती है जायके में। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, तो आपके साथ करती हूँ रेसिपी शेयर। और जनाब के काम देखी हूँ, जितनी देर तक मैंने नीचे नहीं जाना इसे लेके इतने ऐसे ही करते रहना है। तो ये देखिए मेरे चोट का काफ़ी फ़र्क पड़ गया, ये तो आराम आ गया, ये बस ये आराम आ जाए तो निशान तो चले ही जाएंगे। तो बहुत मुझे मसला बना हुआ था कि क्रीम नहीं लगा सकती, मुँह भी नहीं धो सकती थी। तो जब भी मैं मुँह धोती हूँ तो यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि थोड़ा सा आराम आ गया। टोप लगा रही हूँ और मेडिसिन खा खा के तो बस मैदा ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से टोप लगा रही हूँ। तो मैं नीचे चलती हूँ, कपड़े उतार ले पहले। मैं आ गई हूँ नीचे, वो मैंने चावल बना कढ़ी बनाने लगी हूँ। और इधर चावल है और हमारी गैस देखिए कितनी कम आ रही है। तो सिलेंडर सुबह ही ख़त्म हो गया था लेकिन
पर आने जाना था लेकिन लाइट चली गई थी, तो चलो मैं आपको बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है और मज़े की बहुत बन रही है। तो मैं तो वैसे तो कड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ लेकिन बनाती हूँ लेकिन बनाती कम हूँ क्योंकि मुझे कड़ी खाना अच्छा लगता है लेकिन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इस पर इतनी मेहनत होती है। जितनी देर तक ये बनती नहीं होती देर तक चमचा हिलाना हिलाते जाओ फिर पकौड़ों का मसाला बनाओ। तो इस वजह से मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर कर दिया करें, प्रेस का बटन दबा दिया करें कि आने वाली हर वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, पूरी देखा करें कुछ ना देखें पीछे। अब ऊपर भी इसकी शिता नहीं है और नीचे भी इसकी शिता नहीं है। हाँ जी, आपको अब क्या चाहिए, क्या लेना है? चावल खत्म हो गए मम्मी, मैंने डाल दिए चावल। ये किचन है नीचे। कड़ी तैयार हो गई है तो बस पकौड़े निकालने लगी हूँ। तो जनाब गैस लेके आए, ये देखिए अब सिलेंडर में पकौड़े बनाने लगी हूँ। जी गर्म होता है तो फिर पकौड़े मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए और मसाला मैंने तैयार किया, आलू प्याज हरी मिर्चें सूखा धनिया हरा धनिया और जीरा और आलू और बेसन मिक्स कर दिया मैंने सारा मसाला। तो मैं बनाती हूँ,